हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 9वीं का विषय संस्कृत का प्रश्न बैंक, यानी संस्कृत का प्रश्न बैंक 2022 और 23 का, ठीक, यहाँ पर 2021-22 लिखा है। लेकिन बच्चों, आप लोग बता दिया जाए, थोड़ा यहाँ पर प्रिंट हो गलत हो गया है वहाँ से, तो यहाँ पर 2022-23 का, यानी 2022-23 का ये प्रश्न बैंक है। और आप लोगों सभी लोगों को पता है कि जितने भी प्रश्न पत्र बनते हैं, यानी कि चाहे वो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उनके लिए जो भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो अधिकांशतः प्रश्न बैंक से ही बनते हैं। आप लोगों के सर मैम भी कहते हैं कि प्रश्न बैंकों से पढ़ो, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है प्रश्न बैंक। अधिकांशतः प्रश्न, मतलब प्रश्न बैंक से ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने 2023 की, यानी कि जो न्यू ब्लूप्रिंट आई है, इसके मैं क्वेश्चन आंसर बता दूं और आप लोग अच्छी तरह से समझा दूं। तो इसमें आप लोगों के सामने लोग प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोगों के सामने कक्षा 9 प्रश्न बैंक इस प्रकार से दी गई है। इकाई 1, यानी कि सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर उचित विकल्प रहेंगे, विकल्पों को सही आंसर लिखनी है, तो मैं उसके आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम लिखा है यहाँ पर, हसन इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि हसन में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें हो जाएगा हसन में हो जाएगा शरत, ये आपका आंसर हो जाएगा, शरत हो जाएगा प्रत्यय, ठीक। दूसरा लिखा है पठित्वा, पठित्वा इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो अठ से पद में हो जाएगा आपका कित्वा, क्या हो जाएगा कित्वा, यानी कि दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक बच्चों। तीसरा लिखा है बिहार इतमस पदे पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आपका लेप, क्या हो जाएगा लेप, लेप दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा लिखा है पदातुम इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो पदातुम में हो जाएगा तुमन, क्या हो जाएगा तुमन हो जाएगा, ठीक। पांच में लिखा बाला इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें हो जाएगा आपका टाप, क्या है टाप हो जाएगा आपका आंसर सही, ठीक। छठ में लिखा है गतमान इतमस पदे प्रत्यय अस्ति, तो छठ में का आंसर हो जाएगा कित्वत्व, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सात में लिखा है प्रिय पुत्र असीत इतमस पदे विशेषण पदे अस्ति, तो सात में का आंसर हो जाएगा प्रिय, यानी एक नंबर सही हो जाएगा। चलिए वर्तमान नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट लिखा है आठवां, आठवां लिखा है मध्यमा अद्धगुड़ी इतमस पदे विशेषण पदस्थी, तो इसमें आठवीं में हो जाएगा मध्यमा में हो जाएगा आपका पहला नंबर सही, यानी मध्यमा, ठीक। नौवां लिखा है सीता पति वृता पत्नी असीत इतमस पाक्य विशेषण पदे अस्थि, तो नौवीं की बात करते हैं तो नौवें में हो जाएगा पति वृता, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दस में लिखा है चशुषि भास्कर तत्व इतमस पदे विशेषण पद अस्थि, यानी दसवें की बात करें दसवें मुझे आपका पहला नंबर सही, नहीं चशुषि ये आपका सही हो जाएगा। ग्यारह में लिखा है मति मान्यम शोभायम इतमस पदे विशेषण पद अस्थि, यानी ग्यारहवीं की बात करें तो ग्यारहवें मुझे आपका हो जाएगा यहाँ पर मति माननीय, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बारहवीं की बात करते हैं तो बारहवीं में लिखा रूपम प्रसिद्ध नास्यम पदे विशेषण अस्थि, तो बारहवीं का हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा रूपम, यानी एम ना पहला सही हो जाएगा। तेरा लिखा है जी मुत वाहन दानवीर राजा अस्थित इतमस वाक्य विशेषण पद अस्थि, तो तेरहवीं की बात करें तेरहवीं का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने जी मूत्र वाहन, ठीक है आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। चौदह में लिखा है हितेशी मत्स इतमस पदे शब्द विशेष पद अस्थि, तो चौदह में क्या बात करते हैं चौदह में हो जाएगा मंत्री, यानी कि ये हो जाएगा आपका सही आंसर है। पंद्रह में लिखा अहम दागिर दिग्गामी कथाम कथे इतमस पदे वाक्य विशेषण पदम अस्थि, तो पंद्रह में का आंसर हो जाएगा दिग्ग्याम, ठीक है दिग्ग्याम। तो स्टूडेंट कक्षा 9 वाले बच्चों, आप लोग सामने संस्कृत के मैंने सही विकल्प, यानी 15 सही विकल्प बताए हैं जो आपके प्रश्न बैंक के ये लोग मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर आप लोग इनको रट लेते हो, अच्छी तरह सीख लेते हो, तो इनसे कहीं बाहर नहीं जाता है सही विकल्प, ठीक। एक दो बार चले जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग अगर प्रश्न बैंक पूरी तरह से रट लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने बता दिए। साथ ही अगर आप लोग संस्कृत में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है कि 9 के जितने भी प्रश्न बैंक रहेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं बताता रहूँगा और आपको पते चलते रहेंगे। तो बहुत से बच्चों ने कर लिया सब्सक्राइब, आप भी कर लीजिए। तो आप लोगों के सामने मैंने सही विकल्प बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने आंसर का टिक कर लें तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो इसके आंसर आप लोग सामने ए रहे तो आप लोग देख सकते हो, तो ये आंसर है, ठीक। तो आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक। तो मैंने ये आंसर भी आप लोगों के सामने जस्ट नीचे बता रहा हूँ, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने सही विकल्प पूरे कम्प्लीट होते हैं। चलिए
बढ़ते हम लोग इकाई दो की ओर से। इकाई दो में देखते हैं हम लोग, तो इकाई दो में है आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो इसमें हम भरेंगे, तो भरना तो हम लोग देखेंगे तो देखो कौन से में क्या भरेंगे। ठीक, तो जैसे पहला लिखा है धेनु इतमस पद्य पदम, तो धेनु में हो जाए आपका गाँव। ठीक, दूसरा लिखा राति इसमत पद्य पर्यायवाची, तो राति का पर्यायवाची क्या हो जाता है निशा। ठीक, तीसरे का लिखा निमुत्य इटमस से पद्य सी में हो जाएगा आपका परित्याज, यानी ये अक्षर सही हो जाएगा। चौथे में लगा इंद्र प्रत्यक्ष पर्यायवाची पद, तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पर हो जाएगा, मैं देखता हूँ यहाँ पर साक्र क्या हो जाएगा साक्र। पांच में लगा शरीर इस समय पद पर्यायवाची, यानी कि शरीर का क्या हो जाएगा, शरीर का देखते हैं तो हम लोग कितना है छठवां पाँचवा, तो शरीर का हो जाएगा गात्र। ठीक, ए वाला। छठवां लगा भानु इतमस पर्यायवाची, यानी भानु का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य। ठीक, वन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो वन का पर्यायवाची हो जाएगा, एक मिनट बच्चों, वन का सातवां है वन इतमस पर्यायवाची पदम, तो वन का हो जाएगा एक सातवां, वन का हो जाएगा कानन, क्या हो जाएगा कानन। आठवां लगा विजय इतमस विलोम पद, यानी विजय का क्या हो जाएगा पराजय, क्या विलोम माने उल्टा। नौवां लगा उपकार इतमस विलोम, उपकार का क्या हो जाएगा अपकार। ठीक, उपकार का हो जाएगा अपकार विलोम। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा प्रकाश। ज्ञान लगा आचार्य कम अनुशांति, इसका ज्ञान का आंसर हो जाएगा अंत्यवाचनियम। ठीक, बारह में लगा स्वजन कुत्त प्रयाति, तो बारह में आंसर हो जाएगा हृदय। तेरह में लगा लोह तुला पाठ अस्थि, तो तेरह में आंसर हो जाएगा पंचरात्रम। चौदह में लगा बटी पुत्र नाम किम है, तो इसमें हो जाएगा जीड़ धीनु। पंद्रह में एक बात कहते हैं पंद्रह में आंसर हो जाएगा दुष्ट। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने रिक्त स्थान बता दिए हैं, और रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मैंने सही से आंसर बता दिए हैं। और अगर इनका आंसर और देखना चाहते हो तो आप लोग सामने जस्ट इनके ये आंसर भी बता दिए हैं कि कौन में कौन सा क्या बनना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति भी होती है। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं इकाई तीन की ओर। ठीक, इकाई तीन में आप लोगों को क्या करना है, सही जोड़ियाँ मिलाना है। जैसे कि आप लोग देखते हैं ये आप लोगों के सामने यहाँ पर सही जोड़ियाँ। ठीक, तो चलिए हम लोग सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं, थोड़ा हम इसको शुरू कर लें इस प्रकार से। तो सही जोड़ियाँ हम आप लोगों के सामने मिलाएंगे, तो कौन सा क्या भरना है, तो चलिए हमारे साथ भी आप लोग मेरे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ना तो आप लोग मिला नहीं सकते हो। तो रामस से लगा, तो रामस क्या हो जाएगी, ये रामस हो जाएगी षष्ठी एक वचन, क्या हो जाएगा रामस से क्या हो जाएगा षष्ठी एक वचनम। तो यहाँ पर कहाँ पर लगा षष्ठी एक वचनम, ए लगा रही षष्ठी एक वचनम। ठीक बच्चों, हाँ पहले दूसरा है फलानम, फलानम हो जाएगा षष्ठी बहुवचनम। ठीक, षष्ठी बहुवचनम। ठीक, दूसरे का इसमें हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा आपका लताएं चतुर्थी एक वचन, लताएं क्या हो जाए चतुर्थी एक वचन। ठीक, तो लताएं चतुर्थी एक वचन, ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, कौ, कबो का हो जाएगा सतमी सतमी एक वचन, तो कबो का हो जाएगा सतमी एक वचन, इसके आमने सामने जी हो जाएगा। भानुना, भानुना का हो जाए तृतीय एक वचन, तो भानुना की हो जाएगी तृतीय एक वचन। ठीक, और सुपुत्रम, सुपुत्रम का हो जाएगा सु, सुपुत्रम में हो जाएगा सु, सुपुत्रम में सु। ठीक, अनुगच्छम, अनुगच्छम में हो जाएगा अनु, अनुगच्छम में अनु। ठीक, नदी, नदी का हो जाएगा आपके सामने द्वितीय बहुवचनम, तो द्वितीय बहुवचनम इसमें हो जाएगा नदी का। ठीक, ठीक, अक्रोति, अक्रोति का हो जाएगा उप, अक्रोति का क्या हो जाएगा उप, यानी कि इसमें मिल जाएगा। ठीक, अब पृक्ष गति अच्छी, यानी पृक्ष गति का हो जाएगा पृथ्वी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीति। ठीक, अब है सत्तु बदासु, सत्तु बदासु का हो जाएगा आदेश, क्या हो जाएगा आदेश, तो ये लगा आदेश। ठीक, हाँ अब लगा अलोपण्यंत्यंत, यानी बारहवीं का हो जाएगा आप लोग सामने उपधा, क्या हो जाएगा उपधा, यानी कि बारहवीं का हो जाएगा ए वाला आंसर। ठीक, उपधा। अब सुप्रियंत्र, सुप्रियंत्र का हो जाएगा आप लोग सामने पदम, क्या हो जाएगा पदम, तो पदम कहाँ पर लगा है देखते हैं यहाँ पर, तो ए लगा पदम। ठीक, ये लगा पदम। ठीक, तो अब बाक धन ईश, तो बगीस क्या हो जाएगा सहनता, क्या हो जाएगा सहनता, और या वाला लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी संस्कृत। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने सही जुड़ियाँ भी बता दी हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनकी सही जुड़िया आंसर आप लोगों के सामने ये रही, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प हो गए, रिक्त स्थान भी हो गए, और आप लोग सामने ए भी हो गए। ठीक, तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, साथ ही आप लोगों को बता दें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं, वहाँ पर मैं नोटिस डालता रहता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से अब रहेगा आप लोगों के सामने संधि एक वचनम उत्तर, तो ये आप लोगों के सामने देखो, ये आपके सामने क्या है, ये पसंद दिए गए हैं। ठीक,
इसमें। ठीक, अब जस्ट इनके आंसर देख बात करते हैं, तो पहले आप लोग इनको इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इनके आंसर जे दिए गए हैं। ठीक, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक बेटा, चलिए अब अगला है इकाई पाँच। इकाई पाँच में आप लोगों के सामने सत्य असत लगाना है। ठीक, तो सत्य असत आप लोगों के सामने ये है। ठीक, अब इनके सत्य असत के मैं अभी हाल में सत्य असत बोल देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग किसी भी इकाई कन्फ्यूजन ना हो, ना तो आप लोग गलत कर लेंगे। तो जैसे पहले का हो जाएगा आपका ना, इन ना माने होता है असत। ठीक, तो पहला ना, दूसरा ना, ठीक, तीसरा भी ना, ठीक, चौथा आम्र, चौथा हो जाएगा आपका आम्र यानी सही, पांचवा हो जाएगा ना, पांचवा गलत हो जाएगा, छठवा हो जाएगा आम्र यानी सही, सातवा हो जाएगा आम्र और आठवा हो जाएगा आम्र। ठीक, नौवा हो जाएगा ना, दसवा हो जाएगा आम्र, ग्यारहवा हो जाएगा ना, बारहवा हो जाएगा आम्र, तेरहवा हो जाएगा आम्र, चौदहवा हो जाएगा आम्र, पंद्रहवा हो जाएगा आम्र। इन्हें आम्र जो सही है, बाकी जो सत्य है, तो सत्य सत्य भी करा दिए, उनके आंसर सत्य सत्य के जे रखिए, जो आप लोग सामने इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अब बढ़िए इकाई छः की बात करते हैं। तो इकाई छः में आप लोगों को जिस संस्कृत भाषा में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ठीक, इनको आप लोगों को लिखना है। यानी कि यह लिखा है अधोलिखे उसी प्रश्नोत्तर ही संस्कृत भाषा में लिखा था, यानी कवि का संबोधि। तो यानी कवि किसको समझते आप लोगों के, कवि वाणी संबोधित, यानी कि ये प्रश्न है आप लोगों के सामने, तो इन प्रश्नों के उत्तर प्रश्न हो जाएंगे, इन प्रश्नों के आंसर आप लोगों के सामने ए रहे। ठीक, तो आप लोगों के सामने उत्तर भी आंसर बता रहे जा रहा। आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं, हज़ार बार भी देख सकते हो, जब मन के तब देख सकते हो, कोई कन्फ्यूज बोर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आप लोग पूरी प्रश्न बैंक का हल बताने वाला हूँ। तो प्रश्न जो है उत्तर ये हैं। ठीक बच्चों, चलिए इकाई 12 की बात करते हैं। तो इकाई 12 में आप लोगों के सामने इस प्रकार से वर्ण परिचय दिया गया है। तो वर्ण परिचय जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ये आप लोगों के सामने प्रश्न रहेंगे। इनके आंसर की बात करते हैं, तो ये आप लोगों के सामने उनके जस्ट उत्तर दिए गए। ठीक बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इकाई 13, इकाई 13 में आप लोग सामने यहाँ पर जो का कथिनियम का प्रतिकृत दिया गया है, तो आप लोग का कथिनियम में क्या लिखना है, का प्रतिकृत में क्या लिखना है, वो मैं आप लोगों को आंसर बताने वाला हूँ। तो ये आप लोग सामने जस्ट उसके आंसर दिए गए, तो आप लोग सामने ए हो जाएंगे का कथियति में, ए हो जाएगा का प्रति में। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग भी भर सकते हो। ठीक बच्चों, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि भाई जो लिखा है भाई पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो भी लंबा होगा, आप लोग बोरिंग लगेगी। ठीक, इकाई 14 में बात करते हैं। तो इकाई 14 में कुछ नहीं करना है, जी आप लोग सामने प्रश्न दिए गए हैं, उनको आप लोग सही क्रम में जमाना नहीं, सही आंसर लिखने इनके, तो इनके आंसर आप लोग जी हो जाएंगे, ये उनके जस्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए बर्तम नेक्स्ट हो। नेक्स्ट इकाई 15 दिखा है। इकाई 15 में अशुद्ध दिए गए हैं, यानी कि ये अशुद्ध लिखे, शुद्ध नहीं लिखे, तो इन अशुद्ध को आपको शुद्ध लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पर अशुद्ध लिखा है राम पुस्तकम पठसी, यानी पठसी की जगह क्या हो जाएगा पठती, तो इस प्रकार से सही लिखना है। तो देख सकते हो आप लोग इस प्रकार से सही हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपके गलत लिखे हैं, वही आपके सही लिखे हैं, तो इस प्रकार से सही और गलत आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। ठीक बच्चों, तो मैंने ये भी बता दिया है, काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर बताते जा रहा हूँ, ताकि कोई फिर भी जाए। इकाई 16 में बात करते हैं। तो इकाई 16 में आप लोगों के सामने इस प्रकार से एक गद्यांश दिया जाएगा, इस गद्यांश को पढ़ना है, और जस्ट उसके नीचे प्रश्न दिए जाते हैं, फिर के आंसर इसी गद्यांश में से छांट के लिखना पड़ता है। तो आप लोग के सामने इसके आंसर मैंने छांट के जे लिख दिए, मैंने क्या लिख दिया है, मतलब प्रश्न बैंक में आए हैं, तो इस प्रकार से आप लोग उनके आंसर भी देख सकते हो। ठीक बच्चों, तो प्रत्येक आप लोग देख सकते हो, प्रत्येक गद्यांश, इन गद्यांश में से एक गद्यांश धरा रखा मिलेगा। एक तो आप लोग सामने पहला गद्यांश बता दिया है, ये दूसरा गद्यांश है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तीसरा गद्यांश है, आंसर शायद बताते जा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। ठीक, और इकाई 17 में बात करते हो, तो इकाई 17 में आप लोगों के सामने इस प्रकार से एक वो आएगा, पाद्यांश आएगा, इस पाद्यांश को पढ़ना पड़ता है, इस पाद्यांश को इसके जस्ट प्रश्न दिए जाते हैं, फिर इसके ये अंतर हैं। ठीक, तो इस प्रकार से पाद्यांश दिया, पहला पाद्यांश, दूसरा पाद्यांश, ठीक, ये तीसरा पाद्यांश। ठीक, वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, तो इनमें से एक ना एक रखा मिलेगा। इकाई 18 में बात करते हो, तो इकाई 18 में आप लोग सामने इस प्रकार से एक नाटक दिया जाएगा, यानी इसको पढ़ना है, फिर इसके जस्ट ये प्रश्न दिए गए, ये आंसर दिए गए, तो इस प्रकार से भी रहेगा। तो पहला वाला है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये मतलब कि ये मोस्ट है, इन तीन जैसे तीन दिए, तीन में से एक ना एक रखा मिलेगा। ठीक, इकाई 19 की बात करते हो, इकाई 19 में रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इन रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो उनके आंसर आप लोग सामने ए रखे हैं, तो इनको पूर्ति कर सकते हो। ठीक बच्चों, चलिए इकाई 20 की बात करते हो, तो इकाई 20 में आप लोगों के सामने सुभाषतानी के दो श्लोक लिखने हैं, तो आप लोग आते ही होंगे, जिन लोगों को नहीं आते हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसलिए तो कहते हैं चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं वीडियो ले आऊँ तो आप लोग पता चलते रहे। ठीक, इकाई 21 की बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों के सामने एक वो लिखना है, क्या लिखना है,
पत्र लिखना है, या तो आप लोग अपने दोस्त को लिख सकते हो यानी मित्र को लिख सकते हो, या आप लोग यहाँ पर पुस्तकालय प्राप्त करने हेतु लिख सकते हो। ठीक, तो इमेजिंग आपको पत्र सीख लेना है। ठीक, या आप लोग छुट्टी के लिए अवकाश प्रार्थना प्रार्थना पत्र, तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र सीख लेना, एप्लीकेशन सीख लेना। ठीक, संस्कृत भाषा में इसके ऊपर भी एक वीडियो ला दूंगा। 21-22 की बात करते हैं तो इसमें भी विषयम टूषयम है, इसमें पढ़ना है गद्यांश को और इसके आंसर लिखने हैं। ठीक, तो काफ़ी सरल है। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हो पूरा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक, वो कमेंट में ये जरूर लिखें, हाँ सर मैंने पूरा वीडियो देखा है। ठीक, और संस्कृत भाषा में निबंध आएगा, तो संस्कृत भाषा का निबंध मैं आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब अगला वीडियो लाऊंगा मैं इंग्लिश के ऊपर और विज्ञान का प्रश्न बैंक, तो पूरे प्रश्न बैंक आप लोगों को इसी चैनल पर मिलते रहेंगे हाल में हाल, जिस प्रकार से मैंने संस्कृत पूरा करा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।